गुरुदेव बाप बने। गुरुदेव बाप बहुत अच्छी चीज है, निजात का जरिया है, निजात का जरिया है। मैं तो कहता हूँ खुदा ताला अपने नबी की उम्मत से मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक का एहसान है कि ये नहीं कहा कि मैं हज करने वालों के साथ, हज करने वाला मेरे करीब हो जाएगा। अल्लाह पाक का एहसान है, ऐसा नहीं कहा। जकात देने वाला कल कयामत के दिन मेरे इतने करीब होगा। रोजा रखने वाला कल कयामत के दिन मेरे इतने करीब होगा। जकात देने वाला, बंगले बनाने वाला, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है भाई। अगर कोई मालदार होता तो खुदा का फरमान है बार बार हज करो नबी के करीब हो जाएंगे, तो बेचारे गरीब का क्या होता। वाले खुदावा, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला जिस तरह से अपने महबूब से मोहब्बत करता है, इसी तरह महबूब की उम्मत से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने कहा तुम जितना ज्यादा मेरे महबूब पर दरूद पाक पढ़ोगे, कल कयामत के दिन उतने ही मेरे महबूब के करीब रहोगे, मेरे महबूब के करीब रहोगे। दरूद क्या चीज है? क्या चीज है? एक फरिश्ता है, फरिश्ता है। उसका सर जो है अर्श के लगता है, उसका सर अर्श से लगता है। अर्श के नीचे फरिश्ता बैठा हुआ है, उसका सर जो है वो अर्श से लगता है, पर उसके पांव तहत सराहे, उसके पांव तहत सराहे है। और जब कोई मोमिन बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है फलाने दरूद मेरे महबूब पर पढ़ा है, मेरे महबूब पर दरूद पाक पढ़ा है। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है जा नूर के दरिया में गोता लगा, नूर के दरिया में गोता लगा। वो फरिश्ता कुर्सी से उठ करके नूर के दरिया में गोता लगाता है, पर गोता लगाने के बाद अपने परों को झाड़ता है, अपने परों को झाड़ता है। आज हम वुज़ू करके निकलते हैं, खाली दाढ़ी में हाथ मारते न जाने कतरे कितने कतरे गिरते हैं। हम नहा के उठते हैं, हम बाल झाड़ते हैं, न जाने कितने कतरे गिरते हैं, हम गिन नहीं सकते। जब अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है दरिया में गोता लगा, जब गोता लगाने के बाद फरिश्ता बाहर आता है, अपने परों को झाड़ता है, तो परों से झाड़ने के बाद जो रहमत के नूर के कतरे गिरते हैं, अल्लाह ताला हर कतरे से फरिश्ता पैदा करता है, हर कतरे से फरिश्ता पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया हर फरिश्ता जो है जिसने दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाता है या जिसने उसके लिए कयामत तक तू मगफिरत की दुआ करता, मगफिरत की दुआ करता जा। इसके लिए हमारे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह बार बार कहते थे कि दरूद पाक पढ़ा करो।